एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रेगनेंसी के कितने दिन बाद हमको आईसीटी टेस्ट करना है, वीडियो में इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहना है, जिससे कि आपको पूरी और सही जानकारी इस वीडियो से मिल सके। देखिए, आईसीटी टेस्ट किन लेडीजों को कराया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। देखिए, जिन लेडीजों का निगेटिव ब्लड ग्रुप है और उनके हस्बैंड का है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, इस केस में होता क्या है कि आपको डॉक्टर आईसीटी टेस्ट कराने के लिए बोल सकते हैं। तो अब अगर आप देखिए, सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप जा रहे हैं, यानी कि वहां पे आपने सब कुछ कराया, अल्ट्रासाउंड कराया है ना, तो वहां पे डॉक्टर हो सकता है इतना ध्यान ना दें बिजी रहने की वजह से, या फिर आपसे कहे ना कहे, आपको खुद अवेयर रहना है। और आपके अवेयरनेस के लिए वीडियो है, तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं इस चैनल पे लाती रहती हूँ। कि आईसीटी टेस्ट क्यों कराया जाता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि वाइफ का निगेटिव ब्लड ग्रुप है और हस्बैंड का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। इस केस में होता क्या है कि आने वाला जो बच्चा होता है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इनकेस अगर पॉजिटिव है तो इस केस में होता क्या है कि मदर की बॉडी एंटीबॉडीज तैयार करती है बच्चे के अगेंस्ट, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप उसके अपोजिट है, निगेटिव है। आरएस फैक्टर मदर जिसे बोलते हैं ना, तो निगेटिव ब्लड ग्रुप में यही दिक्कत होती है। हस्बैंड का अगर सेम है, यानी कि निगेटिव है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो निगेटिव है, मेल की तरह उसकी वाइफ की तरह, तो तब कोई दिक्कत नहीं आती। इस पर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो में बना चुकी हूँ, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो निगेटिव होने के कारण जो बच्चा है उसके ब्लड को ही अफेक्ट करती है, अगर वो पॉजिटिव रहा तो। इस केस में जो है क्या होता है कि आईसीटी टेस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि ये पता लग सके कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि जो एंटीबॉडी है वो रिएक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, फिर जो प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलर उस चीज पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी को मॉनिटर किया जाता है समय समय पर। आप अच्छे हॉस्पिटल में, मतलब सही जगह पे जाएंगे, प्रॉपर उस चीज के लिए बात करेंगे डॉक्टर से, तो अच्छे से आपकी प्रेगनेंसी में केयर हो पाएगी। तो आपको देखिए, जब आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया, यानी कि फर्स्ट महीने जब आपने कंफर्म किया, एक महीना जब आपका पीरियड नहीं आया, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, तो उसके बाद डॉक्टर ने आपको डेढ़ महीने में बुलाया, या फिर आप खुद डेढ़ महीने में यानी कि छह हफ्ते में डॉक्टर के पास गए, तो उसी दौरान आप आईसीटी टेस्ट भी करा सकते हैं। जी हाँ, क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं, या तो उनकी सेकंड प्रेगनेंसी होती है, या फिर पहले उनका मिसकैरेज, या फिर खुद उनने एबॉर्शन टैबलेट ली, या फिर खुद से मिसकैरेज हो गया है, तो उस दिक्कत में होता क्या है कि शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी होती हैं। अगर वो पहला वाला जो खराब हुआ बच्चा, वो अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला हुआ होगा, तो एंटीबॉडीज शरीर में बन चुकी होती हैं, तो इस कारण आपका आईसीटी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। अब क्या होगा कि आपको एंटीडी इंजेक्शन तो लगाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये एंटीडी इंजेक्शन जो होता है वो आपको ये एंटीबॉडीज तैयार होने से पहले ही लगाया जाता है। ऑलरेडी दूसरी वीडियो में बता चुकी हूँ, पूरी प्लेलिस्ट आप वो जरूर चेक कीजिए, काफी हेल्प आपको वहां से मिलेगी। तो अब आपको एंटीडी इंजेक्शन तो लगाया नहीं जा सकता। अब होगा क्या कि आपको आईसीटी टेस्ट करके अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद जो है आपके जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम के ऊपर, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है या कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे उस पर्टिकुलर उस चीज को पकड़ के उस चीज का ट्रीटमेंट किया जाएगा, और प्रेगनेंसी को लगातार पूरे 9 महीने तक मॉनिटर किया जाएगा। बार बार आपको डॉक्टर बुला सकते हैं और मतलब अलग अलग जांचें करवा सकते हैं। तो आप डॉक्टर के बताए गए तरीके से समय समय पे डॉक्टर से मिलिए, ऐसा नहीं कि घर पे बैठ जाना है, तो वो देखेंगे कि बच्चा का ग्रोथ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वजन बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, हर चीजें वो देखेंगे, तो प्रेगनेंसी को मॉनिटर किया जाएगा। तो आप शुरुआती में, यानी कि डेढ़ महीने में या फिर 2 महीने में, जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तभी आप करा लेंगे, तो प्रेगनेंसी को अच्छे से आप मॉनिटर कर पाएंगे शुरुआत से ही। इसलिए शुरुआत में ही आपको करा लेना चाहिए। इसलिए मैंने और भी वीडियोस में बता चुका है कि जब भी आप अबॉर्शन करवाती हैं या टैबलेट ले रही हैं या फिर आपका मिसकैरेज हो गया है, आपको तब भी एंटीडी इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, अगर आपका निगेटिव ब्लड ग्रुप है और आपके हस्बैंड का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। क्योंकि भले ही आपने 1 महीने की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया हो, निकाला हो, या फिर 2 महीने की प्रेगनेंसी को, आपके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं और वो पड़े रहती हैं जब आप एक्चुअल में जब शादी करती हैं या फिर जब आप बच्चा प्लान करती हैं, तो वो एंटीबॉडीज दूसरे बच्चे को नुकसान पहुंचाती है ना। तो इसमें आपका आईसीटी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, और इसलिए आपको पहले से ही अवेयर रहना है। काफी वीडियो पढ़िए, उन्हें शेयर कीजिए, देखिए, और वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, या फिर हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए हमारे पेज को, वहां पे भी अपने सवाल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।